इसको 2 साल हो गए, बचपन से हम इसको पाल लेते और घर के अंदर ही पाला है हमने इसको, सीढ़ियों से चढ़ाया था। अभी हमने इसको कुर्बानी के लिए, कुर्बान करने के लिए टोक था हमें, इसलिए मैंने खुद शेड बनाया अपने हाथों से, मैंने किसी के कोई ताबुन नहीं किया, अपने हाथों से शेड बनाया इसके लिए, इसके लिए जगह बनाई अपने हाथों से, जगह बना के मैंने इसको वहाँ रखा है अपने बच्चों की तरह। मेरे बच्चों ने भी इसको बहुत मोहब्बत से पाला है, मेरे भांजों भतीजों ने सब में बहुत मोहब्बत से इसको पाला है। भाभी हो गई, मेरी वाइफ हो गई, मेरी बहन हो गई, सब इसकी खिदमत करते थे। हमारे पास ये जानवर नहीं है, हमारे पास और बहुत से जानवर हैं जो हमने रखे हुए हैं छत पर, मुर्गा है, तोते हैं, बकरे हैं, दुम्बे हैं, बकरियां हैं, ये हमने अपने शौक के लिए रखे। को मंगवाया पूरा साल घर रखना, मक्खन खिलाना, लस्सी पिलाना, घी खिलाना, सेब है, फ्रूट है और वंडा है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। शौक है। कराची वाले दिल वाले हैं, ये तो आपको पता है, या ईद कुर्बान हो या कोई भी चीज़ हो, सबसे आगे कराची वाले ही होते हैं। हाँ, हर साल इसी तरह का इंशाल्लाह। अभी हम लोग फिर माशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम लोग और जानवर लेकर आएंगे। अनलोडिंग बहुत सेफ हुई है हमारी, और ये लोग बाग जो करते हैं दिखाते हैं, शोर शराबा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। माशाल्लाह बहुत सुकून से उतरा हमारा बछड़ा, माशाल्लाह बहुत प्यार करते हैं हम इससे, और ईद में इसको कुर्बान करेंगे।